सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को प्रेरणा टीवी चैनल की तरफ से भी नमस्कार दीदी। अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और नई नई जानकारियां प्राप्त करती रहें स्वयं सहायता से जुड़ी। महिलाओं के लिए बिजनेस शुरू करने का मौका सरकार ने बनाया मेगा प्लान। जी हाँ, महिलाओं के लिए बिजनेस शुरू करने का मौका सरकार ने बनाया मेगा प्लान। उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपना बिजनेस आसानी से शुरू कर सकती हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार एक होम राशन योजना से जुड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपना बिजनेस आसानी से शुरू कर सकती हैं। वे उत्तर प्रदेश सरकार की टेक होम राशन योजना से जुड़ सकती हैं। सरकार अब महिला स्वयं सहायता समूह SHG के जरिए राशन की सप्लाई करेगी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र UN के साथ एक समझौता किया है। इसके लगभग 200 महिला एसएचजी उद्यमों को 1200 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर के साथ कारोबार करने की उम्मीद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह 20 साल में स्वयं सहायता समूह को मिले कर्ज को लगभग दुगना कर देगा। उनके मुताबिक 18 जिलों 2204 ब्लॉकों और 42,228 आंगनबाड़ी केंद्रों को कवर करने वाले ग्रामीण आजीविका मिशन व्यापक SHG नेटवर्क के ब्लॉक स्तर पर टेक होम राशन का स्थानीय उत्पादन शुरू करने की योजना है। 18 जिलों में ये प्रोजेक्ट चलेगा, जिसमें अलीगढ़, अंबेडकर नगर, औरैया, बागपत, बांदा, बिजनौर, चंदौली, इटावा, फतेहपुर, गोरखपुर, कन्नौज, खीरी, लखनऊ, मैनपुरी, मिर्जापुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर और उन्नाव शामिल है। बाद में सभी 75 जिलों के 825 ब्लॉकों को कार्यक्रम के तहत कवर करने का प्रस्ताव है। सरकार के मुताबिक SHG नेटवर्क हर के महिला को 240 दिनों की आजीविका प्रदान करने के लिए कम से कम 37.78 लाख लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद करेगा। स्टार्टअप विलेज इंटरप्रियोशिप प्रोजेक्ट SYEP के तहत 20,689 महिलाओं को छोटे उद्यमों से जोड़ा गया है। CM के मुताबिक यह आइडिया एक गरीब परिवार की महिला को SHG से जोड़ने और बढ़ने में सक्षम बनाने में मदद करता है, जो उन्हें गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के तहत अन्य जरूरत को पूरा करना भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से 3000 महिला SHG को उद्यमी बनने में मदद मिलेगी और 5000 रुपये से 6000 रुपये के बीच मंथली इनकम के साथ स्वरोजगार मिलेगा। महिला SHG ने महामारी के दौरान 94.26 लाख मास्क, 50,000 से अधिक PPE किट, 25.9 लाख स्कूल ड्रेस और करीब 14 लाख लीटर सैनिटाइजर तैयार किए हैं। एक बार मैं फिर बता दूं आप सभी दीदियों को, महिलाओं के लिए बिजनेस शुरू करने का मौका सरकार ने बनाया मेगा प्लान। जी हाँ, ध्यान से वीडियो को अंत तक देखती रहें। उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपना बिजनेस आसानी से शुरू कर सकती हैं। वे उत्तर प्रदेश सरकार की टेक होम राशन योजना से जुड़ सकती हैं। जी हाँ, आप लोग जुड़ जाइए। उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपना बिजनेस आसानी से शुरू कर सकती हैं। वे उत्तर प्रदेश सरकार की टेक होम राशन योजना से जुड़ सकती हैं। सरकार अब महिला स्वयं सहायता समूह SHG के जरिए राशन की सप्लाई करेगी।
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र UN के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक समझौता किया है। इसमें लगभग 200 महिला SHG उद्यमों को 1200 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर के साथ कारोबार करने की उम्मीद है। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह 20 साल में स्वयं सहायता समूहों को मिले कर्ज को लगभग दुगना कर देगा। उनके मुताबिक 18 जिलों 204 ब्लॉकों पर 42,228 आंगनबाड़ी केंद्रों को कवर करने वाले ग्रामीण आजीविका मिशन के व्यापक SHG नेटवर्क के ब्लॉक स्तर पर टेक होम राशन का स्थानीय उत्पादन शुरू करने की योजना है। अठारह जिलों में यह प्रोजेक्ट लगेगा, जिसमें अलीगढ़, अंबेडकर नगर, औरैया, बागपत, बांदा, बिजनौर, चंदौली, इटावा, फतेहपुर, गोरखपुर, कन्नौज, खीरी, लखनऊ, मैनपुरी, मिर्जापुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर और उन्नाव, जी हां, और उन्नाव शामिल है। बाद में सभी 75 जिलों के 825 ब्लॉकों को कार्यक्रम के तहत कवर करने का प्रस्ताव है। सरकार के मुताबिक SHG नेटवर्क हर के महिला को 240 दिनों की आजीविका प्रदान करने के लिए कम से कम 33.78 लाख लाभार्थियों बेनिफिट तक पहुंचाने में मदद करेगा। स्टार्टअप विलेज इंटरप्रियोरशिप प्रोजेक्ट SYEP के तहत 20,679 महिलाओं को छोटे उद्योगों से जोड़ा गया है। CM के मुताबिक यह आइडिया एक गरीब परिवार की महिला को SHG से जोड़ने और बढ़ाने में सक्षम बनाने की मदद करता है, जो उन्हें गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के तहत अन्य जरूरतों को पूरा करना भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से 3,000 महिला SHG को उद्यमी बनाने के में मदद मिलेगी और 5,000 रुपये से 6,000 रुपये के बीच मंथली इनकम के साथ स्वरोजगार मिलेगा। महिला SHG में महामारी के दौरान 94.26 लाख मास्क, 50,000 से अधिक PPE किट, 25.9 लाख स्कूल ड्रेस और करीब 14 लाख लीटर सैनिटाइजर तैयार किए हैं। आज की वीडियो में दीदी बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें।